हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के संपर्क में। तो दोस्तों, एएफसी एशियन कप 2023 से पहले क्या इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप मिलेगा और क्या फ्रेंडली मैचेस खेलने वाली है इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम एएफसी एशियन कप 2023 से पहले, सारा डिटेल्स आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करूंगा। तो दोस्तों, आने वाले इस 13 जनवरी से इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम एएफसी एशियन कप 2023 का सफर शुरू करेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो कि एशिया की जॉइंट टीम है, और उसके अलावा भी इंडिया के ग्रुप में है उज्बेकिस्तान, जो कि 18 जनवरी को भिड़ेगी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम उज्बेकिस्तान के खिलाफ, और 23 जनवरी को सीरिया के खिलाफ भिड़ेगी इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम के सारे प्लेयर्स। तो दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा कठिन ग्रुप है, और जैसा कि इगोर स्टिमैक का कहना था, आज से 4 से 5 महीने पहले ही AIFF से ये गुजारिश की थी इगोर स्टिमैक ने कि ऑलमोस्ट 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप चाहिए, तभी हमारे रिजल्ट कुछ अच्छा हो सकता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा टफ टीम है। लेकिन AIFF ने पहले से ये मना कर दिया था कि 2 हफ्तों से ज़्यादा ट्रेनिंग कैंप नहीं मिलेगा, तो काफ़ी सारे विवाद हुए इसको लेकर। लेकिन दोस्तों, AFC एशियन कप 2023 से पहले इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों अभी भी ISL चल रहा है, और अभी से लेकर ऑलमोस्ट 1.5 महीने का समय बाकी है एफसी एशियन कप से पहले, और कितने दिनों का ट्रेनिंग कैंप मिलेगा इंडियन नेशनल फुटबॉल टीम को, इसके बारे में कोई पुख्ता खबर नहीं है। और फ्रेंडली मैचेस भी, जैसे कि खबर है कि ऑर्गेनाइज नहीं कर रही है AIFF बिफोर द AFC एशियन कप, जो कि काफ़ी बड़ा झटका हो सकता है सारे इंडियन फुटबॉल फैंस के लिए, क्योंकि इंडिया का ग्रुप काफ़ी ज़्यादा टफ है, और ऑलमोस्ट 1 महीने का ट्रेनिंग कैंप अगर मिलता तो हमारा रिजल्ट अच्छा हो सकता था। लेकिन इगोर स्टिमैक ने ये पहले ही इंटरव्यू में कह दिया है कि जो भी होगा AFC एशियन कप में रिजल्ट, उसके जिम्मेदार ना ही मेरे प्लेयर्स होंगे, और ना ही मैं, और ना ही मेरे कोचिंग स्टाफ, क्योंकि मुझे प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप नहीं मिल रहा है मेरे प्लेयर्स के साथ। तो दोस्तों, अभी इसको लेकर कोई पुख्ता खबर नहीं है कि ट्रेनिंग कैंप कितने दिनों का मिलेगा और फ्रेंडली मैचेस ऑर्गेनाइज करेगी AIFF बिफोर द AFC एशियन कप या फिर नहीं, कुछ भी अभी तक खबर नहीं है। तो कुछ भी अगर खबर आता है तो मैं आप सभी से जरूर डिटेल्स में शेयर कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल ये वीडियो में इतना ही था। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में।